समाचार कार्यालय में पत्र भेजकर सनसनी फैलाने वाले को गिरफ्तार किया गया है। घर खाली न करने पर किरायेदार सहित अपने रिश्तेदार को फंसाने की साजिश रची गई थी। बताया गया कि आरोपी ने डमी बम प्लांट करने वालों की आड़ लेकर ये कहानी बनाई। आरोपी ने पत्र में अपने रिश्तेदार सहित किरायेदार का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के नक्सली और सिमी के आतंकी संगठन का कनेक्शन बताया गया। रिश्तेदार व किरायेदार के द्वारा अगले कुछ दिनों में कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित जिला कोर्ट को बम से उड़ाने का हवाला दिया गया था। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ में पुलिस अभी जुटी है। अखबार की एक कार्यालय में भेजा गया था, उसमें कुछ आरोपी गिरफ्तार हुए। हाँ, इसमें जो आप लोगों के संज्ञान में हो कि जो हाईवे पे फ्लाई ओवर पर उसके अंडर पास पर जो बमनुमा डिवाइस रखी जा रही थी, उन घटनाओं का हवाला देते हुए रीवा शहर में भी कुछ पत्र भेजे गए हैं अज्ञात व्यक्ति के द्वारा। पुलिस के द्वारा ये प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया था 3 तारीख में और आरोपी की तलाश जारी थी। उसी क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें ये था कि मामला सेंसिटिव है और क्योंकि ये घटनाक्रम इतना संगीन है जिसमें यूपी एमपी और एनसीआर तक के बारे में जानकारी आई थी कि बम नुमा डिवाइस जो है रखी गई है, कोई गंभीर घटना को इसका फायदा उठा के घटित ना कर दे रीवा शहर में, इसको ध्यान में रखते हुए टीम के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, पतासाजी की गई। उस पतासाजी में कुछ संदिग्ध लोगों को देखा गया कि ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो ये जो लिफाफे थे जो ये पत्र था प्रेषित किया है, उनमें से 3-4 लोगों से पूछताछ के बाद एक व्यक्ति के द्वारा इसमें घटना को स्वीकार कर लिया गया और उसने कारण बताया कि मेरे यहाँ एक रफीक नाम का व्यक्ति है जो किराए से रहता है मेरे मकान में और मैंने उसको खाली करने के लिए बोला था तो उसने मकान खाली नहीं किया और जाके कोर्ट में लगा दिया। मैं परेशान हो रहा था काफ़ी लंबे समय से। दूसरा, उसके भाई के एक ससुर हैं जिसके कारण से उनके परिवार में विवाद चल रहा था। उसकी भाभी जो है मायके में रह रही हैं और उनके भाभी के पिता के द्वारा उसकी माँ के साथ बदतमीजी की गई थी। और जो उसके ससुर हैं उसके भाई के, उनका नाम मुख्तार है, मुख्तार कवाड़ी के नाम से जाने जा रहे हैं, तो मुश्ताक कवाड़ी, तो उनके खिलाफ, इन दोनों लोगों के खिलाफ उसने एक लेटर लिख के और ये इस तरह से भेज दिया था प्रशासन ने उसको, जिस पर से सिविल लाइन थाने में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में लिया गया और उसको फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी गिरफ्तार है, उसने सारे घटना को स्वीकार कर लिया है। बाकी के तथ्यों के संबंध में पुलिस अभी जाँच कर रही है।